बिसम अल्लाम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप उम्मीद है खैरियत से होंगे आज की स्टूडियो में नाम्थ के अंडर जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज हैं उसमें एडमिशन जो है ना स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें तमाम जो प्राइवेट सी एम एच कॉलेजेज़ हैं और इसके अलावा और भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें एडमिशन डेट जो है ना वो तो क्या लास्ट डेट है और इसमें एम बी बी एस और बी डी एस का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है ये सारी तफसलें इस वीडियो के अंदर है चलते हैं वीडियो से जाने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे हुए बेल का आइकन पर क्लिक की कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको फौरी मिलती रहे डा न्यूज़ में आ, आ, बीस ग्यारह दो हज़ार बाईस में एडवर्टाइज दी गई है आ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस अभी इस एडवरटाइज़ को हम ओपन कर लेते हैं इसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उस उसमें जो श, श, शामिल है वो है वा मेडिकल कॉलेज कैंट नंबर टू हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टेक्सला कैंट सीएमएच एम खारिया मेडिकल कॉलेज खारिया कैंट सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज और एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटस्ट्री लाहौर कैंट सी एम मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मुल्तान कैंट सीएमएच एम एच इंस्टीट्यूट सी एम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बहावलपुर कैंट और इसके अलावा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस मलिर कैंट कोटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सोइटा कैंट फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, बहरेज मेडिकल डेंटल कॉलेज़ कराची फैज़िया रथ पी एफ़ ए मेडिकल कॉलेज कराची और ट्वेल्व है जी फैज़िया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद ये थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें ये मेडिकल कॉलेज हैं और उसके अलावा जो डेंटल कॉलेज हैं प्राइवेट उसमें है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज डेंटस्ट्री इस्लामाबाद, सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटस्ट्री लाहौर कैंट हाईटेक डेंटल कॉलेज टेक्सला कैंट और बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची और सी एम एच सी आई एम एस डेंटल कॉलेज मुल्तान ये है प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज की लिस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया जो है उसकी तफस देखते हैं ओपन मेरिट है एज पर पी एम सी मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट्स एजुकेशन एडमिशन करिकुलम ये सारा कंडक्ट जो रेगुलेशन फाइव टेन फॉर एडमिशन टू प्राइवेट एंड कॉलेज नो डिस्टिंगशन शेल बी मेड इन द दर्म्स ऑफ मेरिट एंड क्राइटेरिया बिटवीन पाकिस्तानी और सिर्फ पाकिस्तानी और फॉरेन स्टूडेंट्स विच मींस दैट देयर इज़ अ नो स्पेशल कोटा फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन प्राइवेट कॉलेज फॉरन कैंडिडेट मस्ट कम्प्लीट ऑन द सेम मेरिट एज लोकल कैंडिडेट फॉरन के लिए कोई कोटा नहीं है फॉरन स्टूडेंट्स के लिए और ये ऊपर मेरिट पर होगा इसके लिए कोई रिजर्व ah. सीट्स नहीं है नेक्स्ट ये आल पाकिस्तानी वैलिड सिटीजन Including citizen of EJUK and Gilgal Baltistan can, uh, can apply for admission in all above mentioned colleges uh, on open merit seats. <clears throat> Passing medicate MDCAT for NUMs held 16 October 2022 in Mediterranean. Uh, pass percentage of MDCAT for uh, NUMs 55% of our admission in MBBS. प्रोग्राम एंड फोर्टी फाइव परसेंट फॉर बी डी एस प्रोग्राम नेक्स्ट है जी मिनिमम सिक्सटी परसेंट एग्रीगेट मार्क्स इन एफ एस सी औरविलेंट मिनिमम है ट्वेल्व ईयर्स ऑफ द एजुकेशन एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट्स बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड आइदर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नम्ज में जो एम डी कैट फिफ्टी परसेंट वटेज है और इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें किस तरह के वटेज हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं सिक्सटी परसेंट जिनके एफ एस सी में मार्क्स हैं मेरिट डिटर्मिनेशन मेट डिटरमाइन जो है वो किस तरह करना है uh, वेटेज है कैट्स फॉर नम्स फिफ्टी परसेंट और एच एस सी एफ एस सी जो है ना फोटी परसेंट वेटेज है एस एस सी मैट्रिक टेन परसेंट हाउ टू अपलाई अप्लाई जो है ना द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट नम्स वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नम्स डॉट नाम्स पी हैं पार्क डॉट ई डी डॉट पी के ये ऑन अप्लाई है ऑफलाइन ही है नेक्स्ट है जी सिलेक्शन चूज कैप बाट्स द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल विल्ड ऑल एफिलटेड एंड अटैच मेडिकल डेंटल कॉलेज फॉर सेलेक्शन बाई द एप्लीकेंट्स ये एम डी कैट की लिस्ट आपको आ, ये लिस्ट जो है प्राइवेट मेडिकल करके वहाँ की लिस्ट मिलेगी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में आप वहाँ सिलेक्ट करना है एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू केयरफुल इन सिलेक्टिंग मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एज पर देयर चॉइस तो केयरफुली जो है ना सिलेक्ट करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं एप्लीकेंट्स विल बी अफोर्ड एडमिशन एन एम बी बी एस और बी डी एस एंड रिस्पेक्टली बो मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑन मेरिट ओनली ये मेरिट ओनली जो मैराज बेस्ड है ईच स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल एंड सेलेक्ट एम बी बी एस आर बी डी एस आर बोथ प्रोग्रामली वंस एट द्री इंस्टीट्यूट आर प्रोग्राम चॉइस प्रोग्राम चॉइस में आप एम बी बी एस अकेला भी कर सकते हैं बी डी एस में और बोथ में भी अप्लाई कर सकते हैं इसका प्रोसेस क्या है जी नम्स विल जनरेट ए कम्पलीट मेरिट लिस्ट फॉर ईच कॉलेज एंड फॉरवर्ड टू ऑल इट्स रिस्पेक्ट एफिलटेड एंड अटैच मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज नम्स इस दफा ख़ुद ही मेरिट लिस्ट क्रिएट करेगा और जो इसके अटैच कॉलेज हैं एफिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ पर उसको फॉरवर्ड uh, कर देगा ईच एफिलटेड एंड अटैच मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज विल डिस्प्ले इट्स कम्पलीट मेरिट लिस्ट ऑन देयर वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड एज वेल तो उनकी वेबसाइट पर ये जो एफिलटेड है कॉलेज हैं वो डिस्प्ले करेंगे मेरिट लिस्ट को कॉलेज विल मेक एडमिशन ऑन एलोकेटेड सीट्स वाइल अड स्ट्रिक्टली टू मेरिट एज़ प्रोवाइडिंग बाय नम्स नम्स ने जो प्रोवाइड की हैं सीट्स उसके मुताबिक ये सख्ती से जो है ना एलोकेटेड सीट उस पर मेरिट uh, बेस हैं तो उस पर वो एडमिशन दे सकेंगे कॉलेज विल इन्फॉर्म ईच एप्लीकेंट्स आर नॉट ऑन आर ऑन मेरिट लिस्ट जो इंफॉर्म करेगा एप्लीकेंट्स को हर कॉलेज जो है ना जो उनका नाम मेरिट लिस्ट पर है वो ई मेल के जरिए से और टेलीफोन के जरिए से या उनके जो भी हैं एंड विल आल्सो कीप रिकॉर्ड दैट कोस्पॉन्डिंग विद ईच एप्लीकेंट्स ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर रेफरेंस uh, के तौर पर उसका डॉक्यूमेंट्स भी रखेंगे इम्पोर्टेंस ये है कि पोजिशन ऑफ सी एन एस आई इज मैंडी फॉर स्टूडेंट्स एज एटीन एंड अबव एट द टाइम ऑफ एडमिशन अठारह या अठारह से अबव होनी चाहिए उम्र और सी एन एस ई प्रोजेस होना चाहिए उसके बाद है कैंडिडेट है सर्टिफिकेट इशूड बाई आई बी सी सी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑनलाइन अपल्लीकेशन अदरवाइज देयर एप्लीकेशन शल बी रिजेक्ट अगर फॉरन कैंडिडेट्स हैं वो ओ लेल ए लेवल केवल जो सर्टिफिकेट है जो इशूड किया गया है आई बी सी सी की तरफ से वो अपलोड करेगा अदरवाइज उनकी अप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा द कैंडिडेट क्लेमिंग टू हाफिज़ कुरान अगर वो हाफिज़ कुरान क्लेम कर रहे हैं कैन अपेयर ऑन इन ओनली वन हाफिज़ कुरान टेस्ट में अप्लाई वो पेरा होगा आइदर फॉर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में उसने अप्लाई किया हो इंस्टीट्यूशन में द रिजल्ट हाफिज वैलिड फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में वो वैलिड है अगर पहले उन्होंने आर्मी में अप्लाई किया है तो उनका टेस्ट सेम वही वाला चलेगा <laughs> एज पर पी एडमिशन रेगुलेशन जो है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम्स शेल बी कंडक्ट सेपरेटली एंड ईच स्टूडेंट शेल बी रिक्वायर टू अप्लाई सेपरेटली टू मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम्स ए स्टूडेंट्स हैविंग नॉट अप्लाइड टू गिवन प्रोग्राम्स शेल नॉट बीटलिशन टू सच प्रोग्राम्स नेक्स्ट है जी ए, ये इसका लिंक भी मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में आपने मजीद इसको वेरीफाई कर लेना है इट शेल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स कम्प्लीट एप्लीकेशन वाइल रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स ये कम्प्लीट uh, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे अगर कोई डिफिशंसी है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी जाएगी एप्लीकेशन को एप्लीकेट फंड सबमिटेड शेल बी कंडक्ट फाइनल कंसीडर फाइनल अप्लीकेंट्स जिसने एक दफ़ा सबमिट की हो वो फाइनल कंसीड नेक्स्ट एप्लीकेशन हु इनकम्प्लीट उसको जो रिसीव्ड होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेंट शेल बी सबमिट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली ये ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकेंगे यानी हार्ड कापी नॉट अप्लीकेबल है और उसके बाद एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड विज़िट नियरेस्ट ब्रांचेज एच बी एल और टू डिपॉजिट प्रोसेसिंग फीस जो है ना वो फोटी फाइव हंड्रेड वो नॉन रिफंडेबल है एट लेटेस्ट बाई द फोरटीन दिसंबर तक जो है छः बजे शाम तक वो जमा करा सकेंगे uh, उसके बाद हम चलते हैं जी लास्ट Uh, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में है जी द यूनिवर्सिटी शेल कैंसिल एनी प्रजन एडमिशन द व स्टूडेंट विल नॉट वेरीफाइड अगर वेरीफाइड नहीं होंगे तो उनका एडमिशन जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन एडमिशन ओपन होगी 21 मंडे 21 नवंबर 2022 आज के दिन और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट uh, विद विद्केलॉग विद द पेड चलान वह जी 14 दिसंबर दो uh, हज़ार लास्ट डेट है हफेजलक्रमान का टेस्ट जो है बीस दिसंबर को होगा और डिस्प्ले मेरिट लिस्ट जो है ना पहली मेरिट अट्ठाईस दिसंबर दो हज़ार बाईस को ये पहली लिस्ट वेज़ा की जाएगी ए, ये मेरिट जो है ना वो कोद नाम्स क्रिएट करेगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज़